आज दिनांक 7 अगस्त 2022 को सागर जिले में पल्स निवेशकों के भुगतान के संबंध में पुनः बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी रणनीति पर भी चर्चा हुई और वर्तमान में जो सेबी के द्वारा भुगतान की प्रोसेस चल रही है उसके संबंध में भी चर्चा हुई। आज हम सागर में कुछ निवेशकों के भुगतान आए हैं, उसी क्रम में हम आपको मिलवाना चाहेंगे। भैया, आपका नाम? अनिल साहू। अनिल साहू जी, आप बताइए, आपने जो सेबी के पोर्टल पर क्लेम किया और SMS आए, तो आपने जिस ग्राहक का मूल दस्तावेज भेजा है उसका भुगतान क्या और कितना आया? हमारे एक ग्राहक हैं कपिल साहू, रहली तहसील जिला सागर से। उनके जुलाई में उनके मोबाइल पर मैसेज आया था कि मूल प्रति अपने सेबी ऑफिस मुंबई भेजें, तो उन्होंने स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक से रजिस्ट्री करके भेजी और विगत उनका भी 4-5 दिन पहले ही उनके अकाउंट में पेमेंट आया है 13,200 रुपये, जो उनके डॉक्यूमेंट वहाँ पहुँचे थे उसके एवज में। धन्यवाद। साथ ही साथ हम बात करेंगे, आपका नाम बताइए? प्रशांत सेन। आपके निवेशक का कितना भुगतान आया और कितने निवेशकों का आया? हमारे अभी सिर्फ एक निवेशक का भुगतान आया है, जिसका कि सभी फॉर्म अपलोड कराए गए थे सेबी की साइट पर और उनके पास मैसेज आया कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सेबी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज दें। तो कुछ एक हफ्ते पहले करीब उनको 12,999 रुपये, और चूँकि 1 रुपये का मैसेज पहले आ चुका था कन्फर्मेशन के लिए, तो 13,000 रुपये का भुगतान आया है, जो कि उनकी एक ही किस्त थी, साल का एक जमा किया था उनने 13,000 रुपये। इसी क्रम में हम बात करेंगे, भैया आपका नाम? महेंद्र सैन लोधी, ग्राम पहरगुआ, तहसील खुरई से। आपके कितने निवेशकों का भुगतान, जिनके आपने मूल प्रमाण पत्र भेजे हैं, कितने निवेशकों का किस किस राशि का भुगतान प्राप्त हुआ है? सर, हमारे जो मतलब गांव के जो 4 लोग हैं, जो मतलब सेबी पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, वो 4 लोगों में से 2 जो थे वो 11,000 मतलब 80 के लगभग 2 लोगों का आया, और 12,880 के लगभग 2 लोगों का मतलब 4 निवेशकों का भुगतान आ चुका है। 4 निवेशकों का। तो इसी प्रकार से हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जिन लोगों के वर्ष 2019 के पोर्टल पर क्लेम हुए थे और सेबी के द्वारा 15,000 से कम जो राशि है, 15,000 तक की राशि, उसका सफलतापूर्वक सत्यापन हो चुका है, ऐसे निवेशकों से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और वो अपना मूल प्रमाण पत्र जो सेबी को भेज चुके हैं वो अपने अपने भुगतान का स्टेटस भी चेक करें, और जिनके पास SMS आए हैं वो अविलंब 31 अगस्त के पहले अपने पेपर सेबी कार्यालय को भेजें। जिनके पास SMS आने की